नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल रानी, इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल लाइव है, गलत हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी एडिटिंग पे क्लिक। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अजय विक्रम। यहाँ आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करते हैं। रानी, एक्चुअली क्या हुआ था कि एडिटिंग, इनेबल एडिटिंग करना हमने छोड़ दिया था, जिसके कारण दिक्कत हुई थी। ठीक है, परेशान नहीं होंगे। नाउ वी आर लाइव। यहाँ पर आप देश के 100 सबसे दक्ष एजुकेटर्स के साथ या फैकल्टीज के साथ पढ़ने का अनुभव प्राप्त करते हैं। मैं ज्योग्राफी से JRF पिछले 5 सालों से UPSC CSE के लिए अध्यापन कर रहा हूं। 2 बार UPSC मेंस, थोड़ा सा साहित्यिक अभिरुचि, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और करेंट में आपको गाइड कर रहा हूँ आगे। अनअकैडमी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का पैकेज मिलता है और साथ ही में डाइवर्स कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे 15,000 से भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं। अलग अलग मॉड्यूल बैचेस और साथ ही में अलग अलग मॉड्यूल बैचेस के साथ साथ कंप्लीट बैचेस भी मिलेंगे। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्लस और आइकनिक। प्लस के लिए 12 मंथ की फीस, यानी कि 1 ईयर की फीस जो है 49,500 रुपीज है, जहाँ पे रेफरल कोड AVIKRAM10 यूज करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और 12 मंथ की फीस जो है आइकनिक के लिए 74,500 है, जहां पे रेफरल कोड AVIKRAM10 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 18 फरवरी से 6 मंथ बैच, 1 ईयर कंप्लीट बैच के साथ साथ 24 तारीख से भी बैचेस रन कर रहे हैं। 1 ईयर, 2 ईयर एंड NCERT बैचेस, ये सब बैचेस रन कर रहे हैं। सो ज्वाइन करेंगे आगे। आज हम लोग जो है जो डिस्कस करेंगे वो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश होगा या स्टेपी क्लाइमेटिक रीजन के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले परिचय की बात करेंगे, परिचय के बाद तापमान, तापमान के बाद वायु दाब, पवने, आर्द्रता और वनस्पतियों की बात करेंगे या जीव जंतुओं की बात करेंगे। इस जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले वनस्पतियों की और जीव जंतुओं की भी बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम परिचय की बात करें इस जलवायु प्रदेश की, तो इस जलवायु प्रदेश का विकास जो है वो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य समशीतोष्ण मानसूनी और भूमध्य रेखीय जलवायु के मध्य हुआ है। समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण मानसूनी से यहाँ पे तात्पर्य चाइना टाइप जलवायु से है, चाइना टाइप क्लाइमेट से है। यानी कि इस जलवायु प्रदेश का जो विकास होगा वो चाइना टाइप क्लाइमेट और चाइना टाइप और मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट के मध्य में होगा। हेलो नीलेश, हेलो एवरीवन। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश का जो विकास होगा वो भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी कि इस जलवायु प्रदेश के
इस क्षेत्र में ये जलवायु प्रदेश पाई जाएगी, इसके वेस्टर्न मार्जिन पे, इसके वेस्टर्न मार्जिन पर, वेस्टर्न मार्जिन पर जो जलवायु पाई जाएगी वो होगी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। और इसके ईस्टर्न मार्जिन पर जो जलवायु होगी उस जलवायु का नाम जो होगा वो चाइना टाइप क्लाइमेट होगा, चाइना टाइप क्लाइमेट। इसके ईस्टर्न पार्ट में चाइना टाइप क्लाइमेट, जबकि इसके मध्य भाग में यानी कि इन दोनों के मध्य संक्रमण बेल्ट में, ट्रांजिशनल बेल्ट में, एशिया के मध्य हिस्सा में या यूरेशिया में जिस जलवायु का सर्वाधिक विकास हुआ होगा वो इसके कैस्पियन सागर के चारों तरफ, कैस्पियन सागर के चारों तरफ जिस जलवायु का सर्वाधिक विकास हुआ होगा उसे स्टेपी टाइप, स्टेपी क्लाइमेट कहते हैं, स्टेपी जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु प्रदेश कहते हैं। दोनों गोलार्धों में इसका जो विस्तार होगा, दोनों गोलार्धों में जो इसका विस्तार होगा वो 0 डिग्री से लेकर यहाँ 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के मध्य भाग में, इसके वेस्टर्न मार्जिन पे भूमध्य सागरी, ईस्टर्न मार्जिन पर चाइना टाइप, और मध्य भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाएगी, स्टेपी क्लाइमेट का विकास हुआ होगा, स्टेपी क्लाइमेट। दोनों गोलार्धों में इन्हीं अक्षांशों के मध्य में ये पाई जाएगी, 30 डिग्री अक्षांशों से 45 डिग्री लेटिट्यूड्स के मध्य में, 30 डिग्री अक्षांशों से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीप के मध्य भाग में इसका विकास पाया जाएगा। ठीक, ये क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र होंगे। अर्ध शुष्क से मतलब हुआ सेमी एरिड, सेमी एरिड का मतलब ना तो अधिक शुष्क होंगे ना ही बहुत आर्द्रता वाले क्षेत्र होंगे, न तो अत्यधिक शुष्क होंगे ना ही, यानी कि न तो बहुत कम वर्षा होती होगी और ना ही बहुत अधिक वर्षा होती होगी, और कुछ हद तक ये सूखा प्रभावित क्षेत्रों की तरफ यानी कि सूखा ग्रसित क्षेत्र होंगे। इनके शुष्कता का मुख्य कारण इनके महाद्वीपीय प्रभाव का होना है। महाद्वीपीय प्रभाव से तात्पर्य ये है कि कोई भी पांव ये महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जिसके कारण यदि पूर्वा पवन भी यहाँ चलती है, पूर्वा पवन भी शिफ्ट करने के बाद, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के बाद यदि पूर्वा पवन भी चलेगी तो तट से दूर पहुंचते पहुंचते इसकी आर्द्रता जो होगी, ह्यूमिडिटी जो होगी वो लॉस हो चुकी होगी, ये ह्यूमिडिटी लॉस कर देती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है महाद्वीप के आंतरिक भाग में पहुंचते पहुंचते, जिसके कारण यहाँ पे पहुंच करके जो वर्षा होगी वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती होगी, वर्षा कम होती होगी। ठीक, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है यहां पहुंचते पहुंचते। शुष्क या अर्ध शुष्क कहने से यही तात्पर्य था। ये सवाना मैदान के इतर आदर्श घास के मैदान होंगे। सवाना घास में जहां पे झाड़ी युक्त घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे प्योर ग्रास लैंड पाए जाएंगे, यहाँ पे प्योर ग्रास लैंड पाए जाएंगे। इनका सर्वाधिक विकास मध्य यूरेशियाई क्षेत्र में हुआ है, मध्य यूरेशियाई क्षेत्र में, यूक्रेन और रूस में हुआ है। हालांकि ये छिटपुट रूप से हंगरी, चीन, मंचूरिया में भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और यूएसए के मध्य में इनको प्रेरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्टेपी टाइप के घास के मैदान, सॉरी किस तरह के स्टेपी टाइप के घास के मैदानों को, यानी कि 30 डिग्री अक्षांशों से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदानों को अर्जेंटीना में ये जो पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में ये पाए जाएंगे। अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहते हैं, पंपास कहते हैं, पंपास, पंपास के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अमेरिका में इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाएगा, प्रेरी घास के मैदान के नाम से जाना जाएगा। वहीं मध्य यूरेशियाई क्षेत्र में यानी कि यूक्रेन और रसिया में जहां इनका विकास होगा वहां पे इन्हें स्टेपी के नाम से जाना जाता है, इन्हें स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी अफ्रीका में
साउथ अफ्रीका में इन्हें वेल्ड के नाम से जाना जाता है, वेल्ड वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग पर जहां पे इनका विकास पाया जाएगा, या दक्षिणी भाग में जहां इनका विकास पाया जाता है, मरे और डार्लिंग नदियों के अपवाह क्षेत्र में, कौन सी नदियों का अपवाह क्षेत्र होगा? मरे और डार्लिंग नदियों का अपवाह क्षेत्र होगा। इनके क्षेत्र में जहां पे इनका विकास पाया जाता है या विकास हुआ है, उसे डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया में क्या कहते हैं? स्टेपी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास के नाम से, तथा अफ्रीका में या दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें वेल्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य इन्हें इस घास के मैदान को पंपास के नाम से, घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, जबकि न्यूजीलैंड में कैंटबरी भी कहते हैं इसे। न्यूजीलैंड में इसे, यानी कि न्यूजीलैंड में भी इसका जहां विकास होगा उसे कैंटबरी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस क्षेत्र में पाए जाने वाले, या इस क्षेत्र के तापमान की यदि बात करें या तापीय विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में है, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में है, मध्य अक्षांशीय स्थिति होने के कारण जब सन का उत्तरायण होगा, जब सन का, सन की किरणें विषुवत रेखा पे सामान्यता क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, लेकिन एक समय यह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जबकि दूसरे समय यह मकर रेखा पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, एक समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ती हैं, जबकि एक समय यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ेंगी 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, तो ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी इन क्षेत्रों में? ऊर्जा की प्राप्ति उत्तरी गोलार्धों में अधिक होगी, सौरिक ऊर्जा की, जिसके कारण तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, यानी कि समर सीजन में यानी कि ग्रीष्म आयनांत के समय, समर सीजन में या ग्रीष्म आयनांत जिसे कहते हैं, ग्रीष्म आयनांत के समय तापमान यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाएगा इन क्षेत्रों में। ग्रीष्म आयनांत के समय तापमान बहुत होगा, लेकिन वहीं जब साउथवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि दक्षिण की ओर ये शिफ्ट कर जाएंगे, सूर्य की किरणें शिफ्ट कर जाएंगी, या सूर्य का दक्षिणायन हो जाएगा, यानी कि शीत आयनांत की स्थिति जब होगी तो ऐसे समय में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अर्थात तापमान से संबंधित दो तरह की स्थितियां पाई जाएंगी इस क्षेत्र में, ग्रीष्म ऋतु के समय यानी कि उत्तरायण या दक्षिणायन के समय, रिस्पेक्टिवली उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले इन क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक होगा, जबकि शीत ऋतु के समय या शीत आयनांत के समय तापमान बहुत कम होगा। स्टेपी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए कनाडा के विनिपेग में, कनाडा में विनिपेग नाम का जगह है, यहाँ पे विनिपेग एक सिटी मिलेगी, सिटी के नीचे कॉर्नर पे विनिपेग लेक मिलेगी, विनिपेग झील के नीचे विनिपेग लेक मिलेगी, और इसी लेक के तट पर, विनिपेग सिटी होगा जो गेहूं के, विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, लार्जेस्ट मार्केट ऑफ विट इन द वर्ल्ड जो विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की। गुड आफ्टरनून पिंकी एवरीवन, चलिए थोड़ा टाइम से जुड़ा करें, जिससे कि इंफॉर्मेशंस और बाकी चीजें आपको क्या मिले, कलेक्टिव एक साथ मिले।
सबसे ज्यादा सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, और सबसे बड़ी गेहूं की मंडी का जो क्षेत्र है वो प्रेरी क्षेत्र में या प्रेरी रीजन में आता है, ठीक। और यही कारण है कि यहाँ पे शीत ऋतु के समय जो टेम्परेचर होगा, सॉरी ग्रीष्म ऋतु के समय जो टेम्परेचर होगा वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अंकित किया जाता है। वहीं यहाँ पे शीत ऋतु के समय तापमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, मात्र -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यानी कि जो रेंज होगा, तापांतर होगा, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है इस रीजन में वो बहुत अधिक होगा, नियरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो तापांतर होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक। यानी कि अधिकतम और न्यूनतम ताप के बीच का जो अंतर होगा वो बहुत अधिक होगा। वही दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर इससे थोड़ा कम होगा। कम क्यों होगा वो भी बता दे रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जब आप देखेंगे तो 30 डिग्री अक्षांशों के बाद जो स्थल खंड है या स्थलीय क्षेत्र है वो लगभग निग्लिजिबल है या न के बराबर है, निग्लिजिबल है या न के बराबर है, जिसके कारण न के बराबर होने के कारण, इनके निग्लिजिबल होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्थलीय प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और स्थलीय क्षेत्र की विशेषता होती है कि वो बहुत अधिक गर्म होता है और बहुत अधिक जल्दी से ठंडा भी होता है, जिसके कारण ताप संबंधी जो ये विशेषताएं हैं उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा देखने को मिलेंगी। वहीं जलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है, जिसकी विशेषता ये होती है कि वो कम गर्म होता है, लंबे समय में गर्म होता है और कम तेजी से ठंडा भी होता है। इसलिए ठंडी के समय का यहाँ का तापमान बहुत कम गिरने नहीं पाएगा और ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक बढ़ने नहीं पाएगा, ठीक बात है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो औसत तापमान होता है वो 1 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में वैरी करता रहता है दक्षिणी गोलार्ध। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे यहां पर चलने वाली वायु दाब की एवं पवनों की। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा प्रवेश, सॉरी प्रवीण, बिल्कुल मिलेगा। यूपीएससी विद अजय विक्रम टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी विद अजय विक्रम, ठीक है। यूपीएससी विद अजय विक्रम के नाम से, अजय विक्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल, आपको पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। और इसी का नहीं, जितना पीडीएफ आपको चाहिए होगा, इससे पहले ये क्लास एज इट इज हम लोग रोज एक क्लाइमेटिक रीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसका भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी आगे क्लासेस होंगी सबका मिलेगा, सबका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। वहां पे ज्वाइन करके और मैसेज कर देंगे पर्सनल या फिर ग्रुप में हम डाल दिया करेंगे पीडीएफ, एक बार याद दिला देना होगा आपको। चलिए वायु दाब एवं ताप की बात करें या तापीय विशेषताओं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। अन्यथा मैं डाल दूंगा, आगे से मैं लिंक डाल दिया करूंगा बिल्कुल, या मैं ट्राई कर लेता हूँ। वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट वेट करेंगे, मैं ट्राई कर लेता हूँ, लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। वेट करिए 1 मिनट, बस वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करेंगे। मैं इसका लिंक आपको, लिंक मैं आपको दे देता हूँ, लिंक मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ये लिंक मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, देखिए लिंक चला गया है, लिंक पे क्लिक कर लेंगे। ये टेलीग्राम का लिंक भेज दिया है मैंने, ठीक, लिंक फॉरवर्ड कर दिया है, देख लेंगे। देखिए वायुदाब और पवनों की यदि बात करें इस क्षेत्र में, वायुदाब में भी वायुदाब, और देखिए हमने क्या बोला था कि ताप का दाब के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, बताया हो या नहीं। तापमान का दाब के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, क्रमानुपातिक संबंध होता है। यानी कि तापमान के अधिक होने पर तापमान का दाब के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होगा। यदि तापमान क्या होगा, तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय,
ग्रीष्म ऋतु के समय इस जलवायु प्रदेश में जब तापमान अधिक रहता होगा तो यहाँ पे दाब कम पाया जाता होगा। ताप अधिक होने पर दाब जो होगा, प्रेशर जो होगा वो कम होता है, क्योंकि अधिक ताप के कारण जो संपर्कीय सतह की वायु होती है वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है और उसके अणु जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के समय जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि तापमान इस क्षेत्र में क्या होगा, अधिक होगा, तो तापीय भिन्नता के कारण यहाँ पे वायु दाब में भी अंतर पाया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के समय जब तापमान उच्च होता है तो ये क्षेत्र निम्न वायु दाब के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी के अभिसरण से लगभग वर्ष भर उच्च वायु दाब की स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक, ये कौन है भाई, कृष्ण शर्मा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जो भी आप मैसेज कर रहे हैं थोड़ा सा मर्यादित तरीके से ध्यान दे करके, किसी का पर्सनली नाम लेना या पब्लिकली नाम लेना या मैसेज करने से बेहतर है। डाउट क्लास में डाउट रिलेटेड चीजें ज्यादा हो तो बेहतर, या क्वेश्चन या मैसेज जो है वो डाउट रिलेटेड होने चाहिए आपके, अगर हैं तो। यहाँ पे जो है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास जहां पे निम्न वायु दाब के क्षेत्र से ऊपर उठ करके हवाएं कन्वर्ज करके उतरती हैं, जिसके कारण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का गति जनित विकास होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के क्षेत्र में पड़ने के कारण लगभग वर्ष भर क्या रहेगा, यहाँ पे लगभग वर्ष भर यहाँ हाई प्रेशर बना रहेगा, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होगी। यह स्थिति केवल कब होगी, यह जो स्थिति प्रतिकूल हमेशा उत्पन्न रहेगी, केवल ग्रीष्म ऋतु के समय संवहनीय वर्षा के रूप में कुछ हद तक वर्षा प्राप्त होगी। आर्द्रता और वर्षण की जो बात करें तो प्रायः इस जलवायु प्रदेश में शुष्क या सूखे की स्थिति होती है। सूखे की स्थिति के कारण सापेक्षिक आर्द्रता निम्न बनी रहती है। जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 75 सेंटीमीटर तक होती है, 75 सेंटीमीटर तक होती है जो औसत वार्षिक वर्षा होगी इस रीजन में। इस रीजन में का मतलब स्टेपी टाइप के, यानी कि कम शीतोष्ण जो घास के मैदान होंगे वहां पे, इन क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स में, अफ्रीका में, वेल्ड में, पंपास जो होगा वो साउथ अमेरिका में होगा, और प्रेयरी में, प्रेयरी जो होगा वो प्रेयरी रीजन होगा, कहाँ, यूएसए और कनाडा के मध्य में, पंपास वेल्ट स्टेपी और डाउन्स और कैंटरबरी डाउन्स, इन सभी जगहों पे जो औसत वार्षिक वर्षा होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर के मध्य। और ये वर्षा भी दोनों क्षेत्रों से, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से आगे की ओर जाने पर और साथ ही में चाइना टाइप से आगे की ओर बढ़ने पर, दोनों क्षेत्रों, दोनों के संक्रमण बेल्ट में वर्षा की अधिकता होगी। दोनों के संक्रमण क्षेत्र में, दोनों से लगे हुए, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से और चाइना टाइप जलवायु प्रदेश से लगे हुए हिस्सों में इसके वर्षा की मात्रा अधिक होगी, जबकि मध्य भाग अधिक ड्राई होगा, ठीक। चलिए, इस जलवायु प्रदेश में सूखा की स्थिति के कारण सापेक्षिक आर्द्रता निम्न बनी रहती है, 25 से 75 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अधिकांश वर्षा संवहनीय वर्षा के रूप में होगी। हमने पहले ही बोला, जब सूर्य का उत्तरायण हो जाएगा या दक्षिणायन होगा तो इवेपोरेशन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसी इवेपोरेशन की मात्रा के बढ़ने के कारण संवहनीय तरंग के रूप में हवाएं इस क्षेत्र में क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और हवाएं संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर उठ करके रेनफॉल करेंगे सैचुरेट होकर के। तो जो वर्षा का अधिकतम हिस्सा होगा वो भी उत्तरायण या दक्षिणायन के समय ग्रीष्म ऋतु की स्थिति में यहां पर पाया जाएगा। इस जलवायु प्रदेश में
इस जलवायु प्रदेश में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों की औसत वार्षिक भिन्नता और औसत वार्षिक वर्षा में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अत्यधिक आंतरिक है, जिसके कारण क्या होगा? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तट से जो दूरी होगा, तटों से दूरी अधिक है। तट से दूरी अधिक होने के कारण जो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होगी, औसत वार्षिक वर्षा होगी वो कम होगी, क्योंकि पवने इस क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते औसत वार्षिक वर्षा जो होगी इस क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में कम होगी। क्यों? क्योंकि तट से दूर पहुंचते पहुंचते ये पवने जो होंगी, या तटीय पवनों के या अनुतट पवनों के रूप में जो होने वाली वर्षा होगी, उस गुड आफ्टरनून हेमलता, ठीक, उनकी आर्द्रता यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लैप्स हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिससे वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। लेकिन वहीं इन क्षेत्रों में, दक्षिणी गोलार्धी क्षेत्रों में, इनकी स्थिति लगभग तटवर्ती है, जिसके कारण वर्षा की प्राप्ति तट से दूरी कम होने के कारण औसत वार्षिक वर्षा दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक होगी। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक होगी की तुलना में अधिक होगी दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक बात है। चलिए, गुड आफ्टरनून। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, हेलो आशीष, सब लोग टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेंगे जरूर, और आज के बाद डेली 3 बजे यही मिलेंगे, रोज एक क्लाइमेटिक रीजन या रोज एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर के। तो डेली मिलेंगे इसी टाइम पर। इन जलवायु प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा केवल कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा हम लोगों ने देखा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जिसके कारण एक्चुअली अभी तक हम लोग, हाँ बिल्कुल, अब तक हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे। आज से हम लोग लाइव आना शायद ये अलाउ हुआ है इस चैनल पे, क्योंकि अब तक केवल प्रीमायर वीडियोस आ रही थी, तो दिक्कतें हम आप लोगों की समझ सकते हैं, कम्युनिकेट करना या क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो पा रहे होंगे इससे पहले। अब वो सारी समस्या आपकी दूर हो गई है, जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे या हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए, इस क्षेत्र में जो है 25 से 75 सेंटीमीटर या लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल होने के कारण वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है, वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है, विकास नहीं होता है, नहीं होता है, और इसलिए इन क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वो प्योर ग्रास लैंड के रूप में हुआ है। ये कंप्लीट या आदर्श घास के मैदान होंगे, आदर्श घास के मैदान होंगे ये क्षेत्र पूरे विश्व में ये जो घास के मैदान होंगे वो आदर्श घास के मैदान होंगे। ऐसे घास के मैदानों को हमने पहले ही बताया है, इस रीजन में प्रेरी घास का मैदान, यहाँ पे पंपास, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान, यहाँ पे वेल्ड घास का मैदान या घास भूमि, यूरेशिया में इसे स्टेपी घास भूमि या घास का मैदान कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स ग्रॉस लैंड या घास का मैदान कहते हैं, यहाँ पे कैंटबरी ग्रॉस लैंड या घास का मैदान कहते हैं, ठीक। इस तरह के घास के मैदानों को कनाडा और यूएसए में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में इसका सब
सबसे ज्यादा विकास हुआ होगा अर्जेंटीना में इसे पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में इसे वेल्ड, यूक्रेन और रसिया में इसे स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स, और डाउन्स के रीजन में एक साथ भेड़ प्लस भेड़ों के साथ गेहूं की खेती होती है, जिसे कंबाइंडली भेड़ गेहूं क्षेत्र भी कहते हैं। भेड़ गेहूं क्षेत्र या भेड़ गेहूं एरिया भी कहते हैं इस रीजन को। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के मैदान को, जो कि ये क्या है, समशीतोष्ण या स्टेपी घास के मैदान के समतुल्य घास का मैदान है, यहाँ पे भेड़ों की और साथ ही में गेहूं की एक साथ खेती होती है, जिसके कारण इसे भेड़ गेहूं रीजन भी कहते हैं। घासों का आकार जो होगा वो अत्यधिक छोटे होने के कारण ये आदर्श घास भूमियां हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी रीजन इसका प्राकृतिक विशिष्ट उदाहरण या इस प्राकृतिक वनस्पति का विशिष्ट उदाहरण है। अफ्रीका में इसे वेल्ड कहते हैं, मैंने बता दिया है। इन मैदानों में भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, यानी कि मुख्य पशुपालन या मुख्य जो पशु होंगे इस रीजन के वो क्या होंगे, भेड़ें होंगी, ग्रास लैंड होंगे ये। मध्य एशिया में घास के मैदान में घुमक्कड़ जातियां रहती हैं, जिन्हें खिरगिज कहते हैं। इस तरह के घास के मैदानों में जो जाति या जनजाति लोग रहते हैं उन्हें खिरगिज कहते हैं। ये खानाबदोश चरवाहे होते हैं, यानी कि नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, जो चारागाहों की तलाश में भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। इन मैदानों में कुछ मांसाहारी जानवर भी मिलते हैं। कृषि के दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक विकसित क्षेत्र होंगे। कृषि भूमि पर कम लोगों की उपलब्धता का मतलब होगा, अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करें, जैसे भारत है, भारत की हम यूएसए से तुलना करें, भारत का यूएसए का ये रीजन, कनाडा और कनाडा के इस रीजन में प्रेरी घास के मैदान का या इस तरह के घास के मैदान का विकास होगा। प्रेरी घास का मैदान, इस घास के मैदान में या ये जो रीजन होते हैं, यहाँ पर ठंडे रीजन होने के कारण कोल्ड एंड शुष्क यानी कि ड्राई रीजन होने के कारण यहाँ पे सर्वाधिक जो खेती हुई है। जैसे हम लोग अपने यहाँ की तुलना करिए, इमेजिन करिए, गेहूं की खेती आपके यहाँ शीत ऋतु में होती है, गेहूं की खेती जो होती है वो आपके यहाँ कब होती है, वीट, शीत ऋतु के समय होती है, और शुष्क ऋतु आने से यानी कि गर्मी ऋतु के आने के पहले ही इसे काट लिया जाता है, यानी कि अप्रैल के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। यानी कि बुआई के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड मात्र चाहिए होता है, और काटने के समय जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास चाहिए होता है, सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए होता है। ये बिल्कुल उपयुक्त क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पे हम लोगों की तुलना में इस रीजन में, यानी कि स्टेपी रीजन में या प्रेरी घास के मैदान में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो भारत की तुलना में क्या होगी, कम होगी, जिससे हमारे यहाँ केवल लिवलीहुड यानी कि जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है, जबकि यहाँ पर जो कृषि की जाती होगी वो कैसी होगी, एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी, विस्तृत कृषि की जाती होगी, यानी कि 100-100 एकड़ के या उससे भी बड़े एकड़ के क्या होंगे, एक एक लोगों के पास फार्म होंगे और उस पर खेती की जाती होगी। यहाँ की जो सॉयल होगी ठंडा क्षेत्र होने के कारण, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन होने के कारण यहाँ की जो सॉयल होगी वो कम फर्टाइल होगी, लेस फर्टाइल होने के कारण फर्टिलाइजर्स की अधिक जरूरत होती होगी, और फर्टिलाइजर्स की अधिक जरूरत होने के कारण ही यूएसए जैसा देश क्या करता है, सब्सिडीज ऑफ फर्टिलाइजर्स पे, और अपने किसानों को क्या करता है, सब्सिडी देता है। अब सोचिए, ये सब्सिडी देते हैं और हमारे
मोदी जी हैं कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं देंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं देंगे। अब सोचिए, कौन सी कोचिंग चाहिए भाई आपको? अभिषेक यादव कौन सी कोचिंग तलाश कर रहे हैं? अभी जहां पर आप उपस्थित हैं वो कोचिंग ही है। यहाँ पे भूमि की लोगों की संख्या कम होने के कारण खेतों की संख्या अधिक होने की दशा में रानी, ये प्रेरान क्या लिखा है आपने? प्रेरी या प्रेरान है? प्रेयरी मैंने लिखा था, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान। प्रेरान क्या होता है? हमने नहीं सुना है, थोड़ा क्लियर बताएंगे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर करेंगे तो मे भी हम बता पाए। सर्वाधिक विकास हुआ है इस कारण, देखिए लोगों की संख्या कम होने के कारण और भूमि उपलब्धता अधिक होने के कारण मशीनीकृत कृषि का ज्यादा विकास हुआ है। ये ठंडे क्षेत्र में स्थित होते हैं, यहाँ की मृदा कम उर्वर होती है, यही कारण है कि यूएसए क्या करता है, कृषि सब्सिडी का समर्थन करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। कोई डाउट है क्या, किस तरह की कोचिंग करनी है, क्या बात है? हाँ, तो आप पेमेंट करके पढ़ना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, पेमेंट करके पढ़ना चाहते हैं तो हम कांटेक्ट नंबर भेज दे रहे हैं, उस पे आप कॉल कर लीजिएगा, कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, पेमेंट आपको मिल जाएगा। पेमेंट के माध्यम से भी जब आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ पाएंगे। आप इस पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको अगर करना चाहते हैं तो। चलिए, और या तो यूपीएससी विद अजय विक्रम के नाम से सर्च करके, प्रेरी ही है, प्रेरी है, प्रेरी है, वो प्रारी नहीं है, प्रेरी ही है, प्रेरी है, प्रेरी है, वो रानी, दैट इज प्रेरी, प्रेरी, बिल्कुल हाँ, प्रेरीज ही है, प्रेरी ही है, बिल्कुल वही है, यही घास का मैदान है। यूएस और कनाडा के मध्य में ही प्रेरी कहते हैं इसे, यूएस और कनाडा के मध्य में इसे प्रेरी कहते हैं, यही प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान इसे ही कहते हैं, प्रेयरी, बिल्कुल प्रेयरी, प्रेयरी या प्रेयरीज एक ही चीज है, प्रेयरीज या प्रेयरी एक ही बात है। हेलो स्मृति, हेलो एवरीवन। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, जो भी जिस भी तरह का जो डाउट होगा वो पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर किया जाएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा। जिसको एडमिशन लेना है वो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं बाद में क्लास के, प्रेयरी घास एक मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेयरी घास का मैदान इसे ही कहा जाता है, टेम्परेट ग्रास लैंड होता है ये, समशीतोष्ण घास का मैदान होता है यूएस और कनाडा में, यूएसए और कनाडा में इसी घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, यूएसए और कनाडा में घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। हमने मैसेज ऊपर, ठीक है, टेलीग्राम पे कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे यूपीएससी विथ अजय विक्रम, टेलीग्राम पे यूपीएससी विथ अजय विक्रम के नाम से, विथ अजय विक्रम के नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, अजय विक्रम के नाम से लिंक, बाकी चीजें अजय विक्रम के नाम से कर लीजिएगा, या फिर हमने कॉन्टेक्ट सर्च कर लीजिएगा, सब बता देंगे, जो जो आपको चाहिए होगा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए होगा सब बता देंगे। ये कोचिंग कहाँ है वो भी बता देंगे, अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बात करके सारी डाउट्स, यहाँ देखिए यहाँ पे कोचिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, ये क्लास है, बाकी आपको संपर्क सूत्र दे दिया है, जो भी आपको बाकी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर देंगे वहां, ठीक है, सारा एड्रेस बता देंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही, अभी आज के लिए बस इतना। ओके।